तो बहुत बड़ा यू टर्न, तो गिरगिटों को भी शर्मिंदा करने वाला रंग बदलने में अकाली दल बादल ने लिया। लोकसभा में ये कहा सुखबीर बादल ने कि हमें तो इस बिल के बारे में पूछा ही नहीं। 3 महीने ये कहते रहे बहुत अच्छा बिल है, चिट्ठी देख लो, ये देख लो, मैं ले जाता हूं वहां मिला देते हैं। अब कह रहे हैं अकाली दल से पूछा नहीं है, कह रहे हैं कि ये MSP को ये खत्म करने वाला बिल है। और अभी 6-7 दिन पहले बड़े बादल साहब कह रहे थे MSP को कोई खतरा नहीं इस बिल से। अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है बादल परिवार की, मैं इनको आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए कि कम से कम झूठ बोलने के समय तो परिवार में कोई सलाह मशवरा कर ले करो आपस में कि आज क्या बोलना है। गीता जी कुछ बोल रहे हैं, हसमुख कौर कुछ बोल रही है, मजीठ जी कुछ बोल रहा है, पार्लियामेंट में आके सुखबीर कुछ और बोल रहे हैं। एक मीटिंग में मनप्रीत बादल गए, दूसरी मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मनप्रीत बादल मुझसे पूछ कर नहीं गए कि क्या बोलना है, मुझे नहीं पता। एक मुख्य राज्य के मुखिया को उसका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बता रहा कि मैं आज क्या बोलूंगा, इससे बड़ी लापरवाह सकता अब नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता लोगों के साथ। दो बेड़ियों में ये सवार रहते हैं कि लोगों के सामने अपना फेस बचाने के लिए हम रोध करते हैं, रोध करते हैं, अंदर से कहते हैं हाँ कर लो, पास कर लो। तो अब कैप्टन साहब कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, और अकाली दल कह रहा है आज विप जारी करके विरोध करेंगे। अब क्या फायदा, बिल तो आज भी ध्वनिमत से पास कर लेंगे, इनके पास लोकसभा में बहुमत है। विरोध तब करना था कि इस बिल को पार्लियामेंट तक पहुंचने ही ना देते। आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान अते मेंबर लोकसभा भगवंत मान ने खेती ऑर्डिनेंस नूं लैके बादल परिवार अते पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं निशाने ते लिया है। मान दा कहना है कि बादल परिवार अते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती ऑर्डिनेंस दे मामले च पंजाब दे किसानां नाल धोखा कीता है। नाल ही मान ने अपने ते लगे इल्जाम कि वोटिंग दे दौरान ओ लोकसभा तो गैर हाजिर सन दा भी जवाब दिता है। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का स्वागत है। MSP ऑर्डिनेंस के जरिए किस तरीके भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आया है वो आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देख लिया है। जो अकाली दल बादल, जिसके मुखिया चाहे सुखबीर सिंह बादल हों, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हों, किस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हर दिन इस MSP ऑर्डिनेंस की वकालत करते रहे कि ये सही है, MSP ऑर्डिनेंस बिल किसानों के हित में है, और संसद में आते ही जब किसानों का दबाव इस कदर बढ़ गया कि किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि जो MSP ऑर्डिनेंस के हक में है वो किसानों के खिलाफ है, दबाव इस हद तक बढ़ने के बाद किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदला है पिछले 3 दिनों में आप वो चीज देख सकते हैं। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कि खुद उस हाई पावर कमेटी के सदस्य रहे, उसमें शामिल रहे और सहमति दी इसी MSP ऑर्डिनेंस के ऊपर, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल जो खुद उस कमेटी में इस MSP ऑर्डिनेंस की सिफारिश करके आए हैं, इनके भी असली चेहरे जग जाहिर हो चुके हैं। जहां तक बात इस MSP ऑर्डिनेंस की है, ये बीज सारे कांग्रेस की सरकार के समय से ही बोए गए हैं, जिसका आज नतीजा सारे भारत के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान माननीय लोकसभा सांसद भगवंत मान जी मौजूद है, आगे की सारी इस मामले में जानकारी भगवंत मान जी देंगे। जी बहुत बहुत मेहरबानी। आज ये खेती ऑर्डिनेंस जो है वो आज जो मेन दो ऑर्डिनेंस हैं वो आज बिल के रूप में आएंगे लोकसभा में और उस पर डिबेट होगी। जिस तरह मेरे से पहले बोलते हुए जर्नैल जी ने बताया कि बहुत देर कर दी
साहब आते आते पिछले 3-4 महीने से, जब से ऑर्डिनेंस ये जून में इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, तब से पूरा बादल परिवार इस बात के लिए जोर लगा रहा था। कभी नरेंद्र सिंह तोमर को चंडीगढ़ बुलाया, कभी उनकी चिट्ठी दिखाई, प्रकाश सिंह बादल जी से कहलवाया कि बिल बहुत अच्छा है, किसानों को बचाने के लिए ये बिल आना चाहिए, गुमराह कर रही हैं विरोधी पार्टियां, किसान जथेबंदियां गुमराह कर रही हैं, ये बिल हमने चिट्ठी भी ले ली है। सुखबीर जी का बयान आया कि अमित शाह से बात हो गई है, उन्होंने कहा है बिल्कुल बहुत अच्छा बिल है, और हरसिमरत जी ने वीडियो डाली कि भ्रम फैला रहे हैं विरोधी पार्टियां जो है, भ्रम फैला रही हैं, ये तो इस बिल से तो किसानों को बहुत फायदा होगा। पर ये आम आदमी पार्टी और किसान जथेबंदियों का दबाव था, जिसके चलते जब उनको ग्राउंड रियलिटी पता चली तो बहुत बड़ा यू टर्न, मतलब क्रिकेटों को भी शर्मिंदा करने वाला रंग बदलने में अकाली दल बादल ने लिया, और लोकसभा में ये कहा सुखबीर बादल ने कि हमें तो इस बिल के बारे में पूछा ही नहीं, 3 महीने ये कहते रहे बहुत अच्छा बिल है, चिट्ठी देख लो, ये देख लो, मैं ले जाता हूं वहां मिला देते हैं, अब कह रहे हैं अकाली दल से पूछा नहीं है, और कह रहे हैं कि ये MSP को ये खत्म करने वाला बिल है। और अभी 6-7 दिन पहले बड़े बादल साहब कह रहे थे MSP को कोई खतरा नहीं इस बिल से, तो एक तो मैं अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है बादल परिवार की, मैं इनको आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए कि कम से कम झूठ बोलने के समय तो परिवार में कोई सलाह मशवरा कर लिया करो आपस में कि आज क्या बोलना है। पिताजी कुछ बोल रहे हैं, हरसिमरत कौर कुछ बोल रही है, मजीठिया कुछ बोल रहा है, पार्लियामेंट में आके सुखबीर कुछ और बोल, और बाहर निकल के सदन की कार्रवाई में के बारे में भी झूठ बोल रहा कि मैंने आज विरोध में वोट डाला जबकि ध्वनि मत से पास हुआ, मैं वहीं पे मौजूद था, ध्वनि मत में स्पीकर साहब को भी नहीं पता चलता किसी ने हाँ कहा किसी ने ना कहा, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, तो उसका भी अब लोगों को पता चल गया, जबकि वो एसेंशियल कम्युनिटीज का बिल था, खेती का बिल तो आ जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी क्या, अभी कल से बयान आ रहे हैं चल रहे मीडिया में कि हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा दे। अब ये सिर्फ पंजाबी कहते चीची नू खून ला के शहीद बनना चाहते हैं, एक उंगली को खून लगाकर शहीद बनना चाहते हैं। अगर इस्तीफा देना सी ता उस दिन देना सी जिस दिन केंद्रीय कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था, उस कैबिनेट मीटिंग में हरसिमरत कौर मौजूद थे, अगर इस्तीफा देना था उस दिन देना था जब ये ऑर्डिनेंस आया था, अगर ये विरोध करते वॉकआउट करते मंत्रिमंडल से बाहर आके बोलते कि ये बिल जो है बहुत खतरनाक है किसानी के लिए, उस दिन तो सहमति दे दी क्योंकि उस दिन इनको ये पता नहीं था कि किसान जथेबंदियां इस बड़े रूप में संघर्ष के रूप में पंजाब में सड़कों पर निकलेंगे, इनको लगा कि ऐसी 2-4 दिन होगा चलो अब हमारा काम चलता रहेगा। तो ये अकाली दल का चेहरा नंगा हुआ, उसके बाद कांग्रेस की बारी है। उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो हाई पावर कमेटी थी मुख्यमंत्रियों की उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल थे, एक मीटिंग में मंत्री बादल गए, दूसरी मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर, और कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मंत्री बादल मुझसे पूछ कर नहीं गए कि क्या बोलना है, मुझे नहीं पता था।
एक राज्य के मुखिया को उसका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बता रहा कि मैं आज क्या बोलूंगा। इससे बड़ी लापरवाह सरकार अब नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता लोगों के साथ। सो खुद ही उन्होंने सहमति दी, खुद ही विधानसभा में प्रस्ताव ला के उसको रद्द किया। मतलब यहां कुछ और वहां कुछ, दो बेड़ियों में ये सवार रहते हैं कि लोगों के सामने अपना फेस बचाने के लिए हम विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, अंदर से कहते हैं हाँ कर दो, पास कर दो। तो अब कैप्टन साहब कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, और अकाली दल कह रहे हैं आज विप जारी करके विरोध करेंगे। अब क्या फायदा, बिल तो आज भी ध्वनिमत से पास कर लेंगे, इनके पास लोकसभा में बहुमत है। विरोध तब करना था कि इस बिल को पार्लियामेंट तक पहुंचने ही ना देते, तब विरोध माना जाता। अब नहीं इसको विरोध माना जाएगा, अब तो ये मतलब जो एंट्री बंद कर दी, किसान यूनियन ने जगह जगह नारे लिख दिए पंजाबी में, पंजाब में हर गांव के सामने, कि जेड़ा किसानां दे हक च खड़ू ओही पिंड च पड़ू, मतलब जो किसान के पक्ष में रहेगा उसी को गांव में घुसने की इजाजत मिलेगी, वरना वो अगर नहीं किसानों के पक्ष में खड़ेंगे और इस बिल का पक्ष में जाएंगे, इस बिल के विरोध नहीं करेंगे, तो हम उनको गांव में घुसने देंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यू टर्न लिया दोनों ने, बड़े बड़े यू टर्न मारे दोनों ने, ये आम आदमी पार्टी और किसान यूनियन का दबाव है किसानों की जीत के रूप में। लेकिन अच्छा होता अगर इस बिल को पार्लियामेंट के पटल तक, संसदन के पटल तक पहुंचने ही ना दिया जाता, उससे पहले ही विरोध करना चाहिए था। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो पर्चे भी दर्ज करते रहे कैप्टन साहब किसानों के प्रदर्शन पर, पर्चे पता नहीं कितने सौ सैकड़े पर्चे कर दिए, अब कह रहे हैं पर्चे वापस ले, चलो शुक्र। तो आज जब बिल आएगा उसमें भी मैं सख्त विरोध करूंगा, ध्वनि मत होगा, जोर से ना बोलूंगा। अगर डिवीजन हुआ जिसको वोटिंग कहते हैं, असल में डिवीजन में तो सब पता चलता है कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विरोध में पड़े, किस अपनी अपनी सीट से वो बटन दबाना पड़ता है, और हर सीट का जो है वो स्क्रीन पे शॉट आता है कि किसने ग्रीन बटन दबाया, किसने रेड दबाया, किसने येलो दबाया। येलो मीन्स अगर आप दोनों की तरफ नहीं हो, ना आम है ना नाम। तो आज ये बिल आएगा, मगरमच्छ के आंसू आज फिर बहाए जाएंगे सुखबीर बादल द्वारा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनका। तो प्रोपेगंडा ये किया जा रहा है जी कि हम तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अब जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया अब कुर्बानी पता नहीं कौन सी देंगे। और ये अकाली दल जब पुरानी जब संघर्ष करती थी पार्टी, लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए मानी जाती थी, जेलों में जाने को कुर्बानी कहते थे, आजकल एक मंत्रिमंडल के एक छोटे से पद से इस्तीफा देने को भी कुर्बानी कह रहे हैं, शायद कुर्बानी का मतलब ही नहीं पता इनको। तो आज जो मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो कमेटी बनाई है कांग्रेस, उसकी सिफारिशें जो देखोगे आप वो सारी किसानों के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं जी ये बिजली की जो सब्सिडी है बंद कर दो और थर्मल प्लांट सारे बेच दो, मतलब वो भी सारे कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के पक्ष में है वो कमेटी की रिपोर्ट, कांग्रेस उस सपोर्ट को लागू कर रही है। और कैप्टन साहब ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों के सारे कर्ज माफ होंगे, अब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, हम प्राइवेट बैंकर्स की और आड़तियों के सब कर्ज हम पे करेंगे। वीडियो पढ़िए कॉफी विद कैप्टन में उन्होंने कहा था। तो कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, कोई घर घर नौकरी नहीं मिली, आत्महत्याएं उसी तरीके से जारी हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो किस मुंह से अब किसानों के मसीहा कह रहे हैं कैप्टन साहब। सो आज हमारा हमें का ये मकसद था कि ये दोनों पार्टियां, ये अंदर से कुछ और हैं बाहर कुछ और हैं,
पता नहीं कितने रंग बदलते हैं। और आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब बिल आएगा तो सुखबीर बादल के विरोध करने के बावजूद भी बिल तो पास होगा, क्योंकि उनके पास बहुमत है लोकसभा में। तो राज्यसभा में अगर जो विपक्ष है वो एकमत होके इस बिल का विरोध करे तो राज्यसभा में ये बिल फंस सकता है, क्योंकि वहां उनकी बहुमत नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का प्रधान होने के नाते, और पंजाब जो कि एग्रीरियन स्टेट है जिसने अनाज के भंडार जो है देश के भरे हरी क्रांति से, और जब भी देश पर कोई संकट आया, जब दुश्मन की गोली आती है तो सबसे पहले पंजाबियों के सीने जो हैं वो उस गोली के सामने खड़े होते हैं। कुर्बानियां पंजाबियों ने दी हैं, और उसी अन्नदाता को जिसको अन्नदाता कह रहे हैं भिखारी बनाने का खेल है, लाइसेंस है पूंजीपतियों को लूटने का कि तुम लूट लो जितना लूट सकते हो। मैंने पार्लियामेंट में भी यही कहा था, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, अब किसानी रहती थी किसान भी बेच दिए। किसान अपनी जमीन को माँ का दर्जा देता है, धरती माँ, वो अपनी माँ को बचाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। उन सभी किसान जथेबंदियों के प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। आज ट्रैक्टर मार्च जो उलीका था हरसिमरत कौर और प्रकाश सिंह बादल के घर तक बठिंडा से हमारे MLA वहां लीड करेंगे। आम आदमी पार्टी ट्रैक्टर मार्च कर रही है, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। वन आज नहीं होगा, मैंने मेरी मीटिंग है इसके साथ। एक वीडियो सर अकाली दल वायरल कर रहे हैं, जिसे कह रहे हो कि वोटिंग हुई नहीं पहले बिलों लेके। सर मैं कल क्लियर करती, वोटिंग होता है उसको बोलते हैं डिवीजन। उसमें क्या होता है, जब डिवीजन होता है तो पार्लियामेंट की पूरी गैलरी जो है खाली करवानी पड़ती है, तो आधा घंटा लग जाता है, सब दरवाजे बंद होते हैं, ना कोई बाहर आ सकता है अंदर से, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। फिर डिवीजन के बाद एक बी वहां सुनाई देती है, उसके 10 सेकंड में आपने बटन दबाना होता है, और उसका रिजल्ट उसी समय बड़ी स्क्रीन पर आता है कि पक्ष में कितने वोट, विरोध में कितने वोट और न्यूट्रल वोट कितने। तो ये तो हुआ है डिवीजन, तो मान साहब जिहड़ी तुसीं गल डिवीजन दी कह रहे हो मन्नी जा सकदी है, लेकिन जदों उत्थे कहा गया कि बिल पास होया तां सारे ने देखा कि सब कोई कवर करते आ रहे कि पास होया पक्ष वाला नहीं सुनया जांदा, स्पीच वोटिंग वॉइस वोटिंग नूं कहा जांदा हमेशा हुंदी है। तुसीं मौजूद सी उस? जी जी मैं मौजूद सी। ते तुसीं विरोध कीता उस? मैं ना कहा जो मैं, क्योंकि ये आरोप लग गया तुहाडे ते कि लायक मौजूद ही नहीं सी। नहीं नहीं मैं उत्थे सी, मेरी सुखबीर बादल दी स्पीच तों बाद तां मेरी स्पीच सी, उड़ीसा वाले जो BJD के, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी बोले, उसके बाद मिनिस्टर ने कहा कि बिल को पास किया जाए, ध्वनिमत से उससे पूछा, वो 7-8 सेकंड भी नहीं लगे, मैं वहीं पे मौजूद था। और कांग्रेस के गुरजीत औजला मेरे साथ 2 मिनट पहले मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे, वो भी अपनी वेट कर रहे थे अगर मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि इस बार व्यवस्था ये कर दी गई है ना बैठने की, कुछ तो राज्यसभा में बैठे होते हैं, कुछ ऊपर गैलरी में बैठे होते हैं, और जो बैठने का हमारा वहां पे व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं हमें नजर भी नहीं आते वहां पे कि कौन कौन बैठा है। तो ये कहना बड़ी गैर जिम्मेदारान तरीके से कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं मौजूद था वहां पे, बाहर निकला सब, जब उन्होंने कहा कि 16 तारीख तक के लिए 3 बजे तक सभा स्थगित किया, मैंने आपने मेरा भाषण भी सुना होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं भाषण विरोध में दूं और वॉकआउट कर दूं? आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट नहीं की। कुल मिला के जो खेती संबंधित 3 कानून विधान लोकसभा च लाए गए ने, भारतीय संसद विच लाए गए ने, पूरी तरह नाल किसान विरोधी ने, वो अज आउणगे आम आदमी पार्टी, दो जिहड़े मेन ने अज आउणगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते जिहड़ी खेती दे विच प्राइवेट सैक्टर दी एंट्री, उस दिन तां
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਚ ਪਾਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਇਨਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਕੀਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਕਾ ਰੋਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਰੋਸ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਥੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪ आपको हैरानी होगी जानकर के भारतीय किसान यूनियन को गवर्नर से नहीं मिलने दिया गया चंडीगढ़ में कि मतलब इतनी तानाशाही हो गई कि गवर्नर से नहीं मिल सकते पार्लियामेंट की तरफ आप जा नहीं सकते विरोध नहीं कर सकते मतलब ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हालात है देश में जो बाकी चीजों में करते हैं ये यहाँ नहीं करते। मान साहब एक सवाल है कि मन्ना जा सकता राजनीतिक आपस विचार वटांदरे ना मिलते हो तो अकालिया ना या कांग्रेस ना लेकिन मुद्दा है सारे जुड़े हैं रोटी सारे ने खानी है तो लगता नहीं तो सारे इकट्ठे हो गए विरोध करना चाहिए वक्रे वक्रे लड़न करना चाहिए सी कहो ना अकाली दल ने तो बिल पटल तक जो आ गया उस कहते विरोध साडे नाल चलते असि उदो कहते रहे कि कट्ठे होके चलो चलो कैप्टन साहब और पार्टी मीटिंग मैं क्या कट्ठे होके प्रधानमंत्री मिलते हैं कैप्टन साहब ने वादा किया कि हाँ एक बफर जो प्रधानमंत्री मिलूगा इस ऑल पार्टी बफर कोई नहीं लेके गया किसी ने नहीं कॉन्टेक्ट किया बेले इतने तक पहुंचना नहीं चाहिए सी। सिर्फ किसान जेडे डंडे खाते रहे परचे कराते रहे धरने देंदे रहे ठीक है ना उन्होंने परचे होंगे रहे हूँ कहते परचे माफ ने यह तो बिल ही बहुत गलत है सिर्फ लोगों के रोह देखते आम आदमी पार्टी के दबाव देख के काम हो रहे। एक पासे खेती ऑर्डिनेंस नूं लैके किसान सड़कां ते प्रदर्शन कर रहे ने ते दूजे पासे सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। भगवंत मान ने इस मामले च कैप्टन ते बादलां ते तंज कसे ने हुण देखना यह होवेगा कि विरोधी मान नूं की जवाब दिंदे ने। दिल्ली तो दविंदर सिंह दी रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।